गरिमा पूर्ण समाज में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का बहुत ज्यादा महत्व है, ये कहना है समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक न्यायिक यात्रा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बेहतर नीतियां कैसे बनाई जाए, इस पर भी चर्चा की। उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो का रुख कराते हैं। लंबे समय के बाद SC ST आयोग का गठन हुआ है, तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद है, मुख्य रूप से आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से ये जो आयोग का गठन हुआ है वो काम करने एक गरिमापूर्ण सादे समारोह में आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का बहुत विशेष महत्व है, सामाजिक न्याय की यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, बेहतर नीतियां कैसे बनाई जाए, कहीं पे अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को कैसे न्याय दिलाया जाए, इसके लिए आयोग काम करता है। और आज माननीय अध्यक्ष जी, दो उपाध्यक्ष और सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। सभी नए आयोग के सदस्यों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और हमें पूरी आशा है कि हमारा नव नियुक्त आयोग जो संवैधानिक दायित्व निर्धारित हैं उनको अच्छे से पूरा करेगा। सर, 2 साल गठन को जो है समेटने में कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? जो नवनिर्वाचित, जो नवनियुक्त आयोग के सदस्य हैं, अब इसके बारे में वो अपना चार्ज लेंगे। उनको पहले सूक्ष्म प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे एक लगभग न्यायालय जैसी कार्रवाई होती है तो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि कार्य वितरण भी अच्छे से हो, सभी लोगों को, सभी सदस्यों को अपना अपना योगदान करने का मौका मिले। सर, दलितों पर अत्याचार को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर रहता है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और आयोग के गठन के बाद क्या लगता है कितने दलितों के मामलों को लेकर जो चीज़ें हैं वो हल हो जाएंगी? योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव काम किया है, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए। कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा तत्व अगर हमारे किसी भी गरीब महिला को, पुरुष को प्रताड़ित करता है, अपराध करता है, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। क्योंकि ऐसी कार्रवाई लगातार हो रही है, न्यायालय से सजाएं हो रही हैं, तो ऐसी घटनाएं कम अब हो रही हैं, क्योंकि सबके मन में कानून का भय है। जो हमारे कानून हैं उनका सख्ती से अनुपालन कराना केंद्र प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा भी करते हैं, और साथ साथ जो मुआवजे का प्रावधान है उसको भी हम लोग पूरा करते हैं। ठीक, धन्यवाद। जो जिम्मेदारी मिली है, हम माननीय योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, संगठन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये दायित्व सौंपा, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी दी गई जिम्मेदारी और उनकी भावनाओं पर हम खरे उतरें। उन जो भी सोच के हमको बनाया, हम उनकी सोच पर दाग नहीं लगने देंगे, और जो जिम्मेदारी हमको मिलेगी हम बिना विलंब के हम उस पर कार्रवाई करेंगे, समस्या का निस्तारण करेंगे। ये आयोग केवल दलितों, कुचलों और गरीबों की सुरक्षा का, उनके सम्मान का विषय लेता है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी पीड़ित को न्याय के लिए ज़्यादा देर तक भटकना न पड़े और उसको समुचित सम्मान के साथ उसको न्याय मिले। काफ़ी लंबे समय के बाद आयोग का गठन हुआ है, कैसे देखते हैं? अब परिस्थितियाँ रही हैं, अब गठन हो ही गया है, योगी जी का आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी हमारा नाम चयनित करके दिया, और हम जितना विलम्ब से शुरू हुआ है उतनी तेज गति से करेंगे कि आगे काम समय से निस्तारण और पिछले कामों का बहुत प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें कि आयोग अपने सारे काम निपटा ले समय से रहते। फिर विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जो है आयोग जो है देर में बनाया गया और ये सिर्फ जो है छलावा है चुनाव के टाइम के लिए। अब वो बताते विपक्ष को देख के हम नहीं चलेंगे, हमारे अच्छे काम, अभी हमने आपसे कहा कि जब धारा 370 खत्म किया तो विपक्ष ने कहा गलत किया, और चुनाव चलते हो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार जम्मू में बनेगी तो हम धारा 370 पुनः लागू करेंगे। हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो विपक्ष धरना प्रदर्शन करता है, तो विपक्ष हमारे अच्छे कामों की आलोचना करता है, तो विपक्ष हमारा दृष्टिकोण नहीं है और उसके उद्देश्य हम नहीं पूरे होने देंगे। हमारा उद्देश्य किस तरह राष्ट्र संपन्न हो, किस तरह हमारा देश तरक्की करे, किस तरह से गरीब
को एक रोटी सुख से मिल जाए, हर व्यक्ति को दवा ठीक से मिले, भूखा मोहताज कोई ना रहे। यदि कोई नहीं है भूखा मोहताज, क्योंकि फ्री राशन मिल रहा है, तो मोदी जी के योगी जी की सरकार में गरीबों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, यहाँ तक कि 10% अगड़ों का भी आरक्षण देकर के गरीबी दूर करने का प्रयास हुआ। तो विपक्ष हमारा विषय नहीं, हमारी मंजिल परम वैभवम नेत में तत्स्वराष्ट्रम, हम राष्ट्र को आगे लेके जाएंगे, ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। और आयोग में गठित होने के बाद यहाँ जो भी हमारा पीड़ित व्यक्ति होगा, बहुत समय रहते हम त्वरित उसको न्याय दिलाएंगे और जो उस पर अत्याचार होते हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। पेंशन की बहुत बड़ी समस्या जो है विभाग में रही है, कैसे पेंशन को जो है लागू कर पाएंगे और कैसे जनता तक ये बात पहुँचाएंगे? ये विषय सरकार का, ये विषय हमारे तक नहीं है, ये सरकार का विषय है और हम अपनी सीमा में रहकर जवाब देंगे आपको। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।